ये XI मॉडल हमारे पास आई थी और अब ये हमसे बन के जाइए ZXI। हमने Z गाड़ी थी तो उसको डबल टोन इंटीरियर देने के लिए हमने इसमें टेपिंग की है जो कि प्रॉपर पियानो ब्लैक रहने वाली है। फेंडर गार्निश है वो भी हमारी तरफ से एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एज अ गिफ्ट मिलने वाला है। अलॉय व्हील इंस्टॉल करवा सकते हैं जो कि आपको मात्र 27,000 रुपए की कॉस्टिंग पे नेक्सा जेन्युइन अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। जो फ्रंट की स्कर्टिंग होती है रिप्लेसमेंट पार्ट वाली वो आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। तो जो इसके अंदर अपना स्टीयरिंग होता है टॉप मॉडल वाला जिसमें आपको सिल्वर गार्निशिंग मिल जाती है वो भी करवा सकते हैं इंस्टॉल, जिसकी कॉस्टिंग मात्र रहने वाली है 3500। हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है हमने जो कि आपको सिर्फ 2500 रुपए का मिलने वाला है। एक USB इसके अंदर इंस्टॉल किया जो कि आपको मात्र 1500 रुपए की मिलने वाली है। ऑन MRP फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है ऑन द वर्क ऑफ बेस टू टॉप। टॉप पर बहुत अच्छी टेपिंग आने वाली है और आपको एज टू एज कटिंग के अंदर ये सारी टेपिंग देखने को मिलने वाली है। आपको 7 इंचेस का सिस्टम मिलता था जिसको हमने अपग्रेड करके 9 इंचेस में किया है, प्लस इसमें हमने 360 बर्ड व्यू कैमरा लगाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एन अदर वीडियो ऑफ कार बीस्ट। आज आपके सामने जो मैं गाड़ी दिखाने वाला हूँ वो ग्रैंड विटारा नहीं जाने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यूस ग्रैंड विटारा की वीडियो देखने को मिलती है। तो आज एक मारुति की दूसरी गाड़ी की मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जो कि रहने वाली है अपनी ब्रेजा। मॉडल की बात करूँ तो अपना VXI मॉडल रहने वाला है जो कि एक टॉप से नीचे वाला मिड सेगमेंट का वेरिएंट रहता है। इसके अंदर काम की बात करूँ तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे काम किया है। कुछ काम भैया कंपनी से हुआ था और कुछ काम जो इसको टॉप मॉडल बनाने में रहता था वो काम इसके अंदर हमने किया है। जैसे कि बात करूँ तो इसके अंदर आपको 7 इंचेस का सिस्टम मिलता था जिसको हमने अपग्रेड करके 9 इंचेस में किया है, प्लस इसमें हमने 360 बर्ड व्यू कैमरा लगाया है। स्पीकर हमने इसमें स्टॉक वाले रखे हैं, बाहर की सारी गार्निशिंग की आइटम लगाई है, वूफिंग ब्लैक की है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड की है। पहले आपको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ इसमें क्या क्या काम हुआ है। तो फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में इसमें हमने जेन्युइन वाली मारुति की फॉग लाइट लगाई है। इसके ऊपर जो अपना क्रोम की गार्निश होती है जेन्युइन मारुति की वो भी लगने वाली है। बात करें इसके बल्ब की तो इसके अंदर इनबिल्ट कंपनी की तरफ से आपको व्हाइट LED देखने को मिलने वाली है। हेडलाइट में कोई भी मेजर अपडेट नहीं है। इसके अंदर भैया को हैलोजन लाइट ही पसंद है तो हैलोजन लाइट ही इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है। अभी अगर साइड से चलते हो आपको साइड से जो भी सारी चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं। जो भी चीज़ें हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्रॉपर मारुति सुजुकी जेन्युइन रहने वाली है। जैसे कि ये इसकी साइड मोल्डिंग का बॉक्स रहता है जिसमें आपको मारुति सुजुकी जेन्युइन की जो बैजिंग है वो भी देखने को मिलने वाली है। इसके ऊपर बात करें हम लोग अपर साइड की तो अभी इसके अंदर पेस्टिंग वाली रूफेल लगने वाली है। छत हाले डेविसन की टेप से हमने रैपिंग कर दी है। प्योर ब्लैक डोर वाइजर लग चुके हैं। लोअर गार्निश इन जेन्युइन 6 पीसेस लग चुकी है। हैंडल क्रोम लग चुका है और साथ ही में अभी इसमें साइड मोल्डिंग चिपकनी बाकी है। साइड्स पे इसमें अलॉय को छोड़ के अभी साइड से पूरा टॉप मॉडल बन चुका है। जैसे कि आप लोग देखेंगे इसके जो साइड मिरर्स है वो खोल लिया क्योंकि इसमें 360 डिग्री की जो प्लेसमेंट है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। तो वो हम आपको दिखाएंगे जब हम लोग प्रॉपर इस गाड़ी को आज कैलिब्रेट करेंगे, तो आपको जो चारों कैमरे के एंगल्स है वो दिखाएंगे और कैसा बर्ड व्यू निकल के आया है वो दिखाएंगे। ठीक है भाई, बाकी इसमें ये देख सकते हैं ये फुटेज भी लगा है जो कि आपका मारुति सुजुकी जेन्युइन ही रहता है। अब एक बार आप इसके पीछे चलते हैं और पीछे आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। बाकी टेपिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है तो टेपिंग की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप पर बहुत अच्छी टेपिंग आने वाली है और आपको एज टू एज कटिंग के अंदर ये सारी टेपिंग देखने को मिलने वाली है। बाकी जो अपना ये VXI मॉडल रहने वाला है तो इसके अंदर आप लोगों को CNG देखने को मिलने वाली है और साथ ही पार्सल ट्रे कंपनी की तरफ से इंस्टॉल होकर आई हुई है। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर देखेंगे अभी कोई बूट मैट वगैरह हम लोग डालते हैं कि नहीं डालते वो चीज़ें आपको दिखानी बाकी है। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे इसके अंदर आपका हर्मन का सिस्टम आता था जो कि 7 इंचेज रहने वाला है, तो इस सिस्टम को आज हमने रिमूव किया है एप्स के ऑक्टा कोर 4+64 वेरियंट के साथ, जो कि आपका प्रॉपर एप्पल का एप्ले एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड रहने वाला है। और जो भी सारी वायरिंग हुई है वो इसकी कपलर टू कपलर हुई है जो कि आप देख सकते हैं, सिर्फ हमको मेल से फीमेल को अटैच करना है। रेट्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि मारुति की सभी एसेसरीज पे आपको ऑन MRP फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है ऑन द वर्क ऑफ बेस टू टॉप। हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है हमने जो कि आपको सिर्फ 2500 रुपये का मिलने वाला है। बैक USB इसके अंदर इंस्टॉल किया है जो कि आपको मात्र 1500 रुपये की मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं जो आमनेश है वो पूरा ही जेन्युइन है। इसके अंदर आपको स्टोरेज होता है वो भी देखने को मिलने वाला है। आप चाहे तो जो इसके अंदर अपना स्टीयरिंग होता है टॉप मॉडल वाला जिसमें आपको सिल्वर गार्निशिंग मिल जाती है वो भी करवा सकते हैं इंस्टॉल, जिसकी कॉस्टिंग मात्र रहने वाली है 3500। इसके अंदर अभी हम लोग अपडेट करेंगे इंटीरियर किट को जो कि आपको मात्र 2500 रुपये में देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपके 4 पीसेस ऑफ डोर्स, ये दोनों आपके डैशबोर्ड और आपकी नागिन कंप्लीट आपको देखने को मिलने वाली है। तो अभी गाड़ी में तो आपका अभी हाफ काम हुआ है। अब जैसे इसके अंदर हमने M-Trax कंपनी की द ऑल टाइम फेवरेट डैम्पिंग कर दी है, जिससे डोर लेयर डैम्पिंग होने का फायदा ये है कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई नॉइस की दिक्कत नहीं आती है। और पहले हम लोग स्पीकर लगा देते थे तो आपको अंदर की डैम्पिंग दिखती नहीं थी, लेकिन अब आप देखेंगे इसके अंदर डबल लेयर डैम्पिंग हुई है जो कि आप देख सकते हैं अंदर से भी
प्रॉपर जो एरिया है इसका वो हमने कवर कर लिया है। बाकी इसके अंदर आप देखेंगे अभी जो एम्बियंट लाइट की वायरिंग है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। प्रॉपर कार्डी कंपनी की इसके अंदर हम लोगों ने एम्बियंट लाइट यूज़ की है जो कि K3 सीरीज रहने वाली है। इसके अंदर अभी हम लोग इनर हैंडल चेंज करेंगे, इसके अंदर अभी हम लोग साइड मिरर्स की रिले लगाएंगे और इसके अंदर अभी नीचे आप देखेंगे तो फ्लोरिंग का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बात करें इसके स्पीकर्स की तो आप जानते हैं मारुति अपने स्पीकर्स में इसमें कितना बदनाम है क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक क्वालिटी का स्पीकर आता है। तो स्पीकर्स भैया को यही पसंद थे तो हम लोगों ने स्पीकर्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, लेकिन आप चाहे तो इसमें एक अच्छे से कंपोनेंट या अच्छे से कोएक्सल डलवा के इसका जो साउंड आउटपुट है आप उसको और बढ़िया बना सकते हैं। इसके बाद कहें तो इसके अंदर हम लोग अभी इन्हें हैंडल चेंज करने वाले हैं। मैट्स भैया ने कंपनी से ले लिया है, सीट कवर भैया ने कंपनी से ले लिया है, इसको हम लोग अभी बकेट फिट करेंगे और जैसे जैसे इसमें काम होता है आपको सारी चीज़ें एक बार गाड़ी कंप्लीट होने के बाद दिखाते हैं। रेट्स आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं और सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्रॉपर जेन्युइन मिलने वाली है। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे जो गाड़ी है अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस गाड़ी का जो लुक है वो बिफोर आफ्टर में चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगी। VXi मॉडल हमारे पास आई थी और अब ये हमसे बन के जाइए ZXi, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने चेंज कर दी है। तो पहले फ्रंट से बात करते हैं कि फ्रंट में इसे हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है और जो ऑप्शंस आप लोग करवा सकते हैं बेजा में इंस्टॉल वो भी आपको मैं बता दूंगा और क्या डिस्काउंट चल रहा है कार विश का बेजा कार के ऊपर वो भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ। तो पहले फ्रंट की बात करते हैं तो आप इसके अंदर हेडलाइट LED इंस्टॉल करवा सकते हैं, भैया ने नहीं करवाई ठीक है क्योंकि उनका जो नेक्स्ट चक्कर लगेगा उसके अंदर वो ये चीज़ें इंस्टॉल कराएंगे। दो चार चीज़ें इसमें रह गई है। इसमें अपना फॉग लैंप लगा है जो कि मारुति सुजुकी जेन्युइन रहने वाला है व्हाइट लाइट, और प्लस में आपका इसमें क्रोम लगा है जो कि आपका मारुति का पार्ट रहता है। मारुति के सभी पार्ट पे आपको ऑन MRP फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है और जो भी प्राइसेस है वो हम लोग अंदर का बात करेंगे कि क्या चीज़ पे आपको क्या प्राइस पड़ने वाला है ठीक है भैया। अब इसके अंदर फ्रंट से एक मेजर चेंज हमने और किया, जो फ्रंट की स्कर्टिंग होती है रिप्लेसमेंट पार्ट वाली वो आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके ऊपर गियर वाली क्रोम भी आती है, वो भी आप चाहे तो लगवा सकते हैं लेकिन भैया ऐसे ये लगवाई है। आप देख सकते हैं गाड़ी रहने वाली है हरियाणा नंबर और टेम्पररी नंबर है। अभी आप देखेंगे शोरूम से डिलीवरी लेके बिल्कुल रिबन भी नहीं कटा है गाड़ी का और गाड़ी का विश्व आगे पूरी टॉप मॉडल बन चुकी है। अब एक बार साइड्स की बात करते हैं कि साइड में इसमें क्या काम हुआ है। साइड से देखने में आपको बिल्कुल भी ये बेस मॉडल नहीं लगेगी। इसके अंदर एक 360 कैमरा भी लगा है जिसका फ्रंट कैमरा आपका यहाँ लगा है। विटार में तो हम लोग ग्रिल के ऊपर लगाते हैं, इसमें वहाँ जगह नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे नीचे जहाँ पे प्लेसमेंट आती है वहाँ दे देते हैं। अब अगर आपको साइड से दिखा देता हूँ, साइड से जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो आप पहला इसके अंदर अलॉय व्हील इंस्टॉल करवा सकते हैं जो कि आपको मात्र 27,000 रुपये की कॉस्टिंग पे नेक्सा जेन्युइन अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। बिल्कुल डब्बा पैक ओरिजिनल बेस शूट ऑफ के वर्क पर ओनली 27,000 रुपये के 4 पीस अलॉय व्हील। इसके बाद बात करें तो इसके भाई अपना जो नेक्सा जेन्युइन व्हील आर्क लगा है जिस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। जेन्युइनिटी की पहचान क्या है, यहाँ पे आपका माउंटेन का जो सिग्नेचर है वो आपको देखने को मिलने वाला है। बेस शूट ऑफ के वर्क पे आपको जो फेंडर गार्निश है वो भी हमारी तरफ से एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एज अ गिफ्ट मिलने वाला है ठीक है भैया। बाकी आप चाहे तो अलॉय व्हील लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रूफ रेल की। रूफ रेल हमें लगाई है पेस्टिंग वाली, आप देख सकते हैं बिल्कुल मजबूती के साथ लगी है, गाड़ी हिल जाएगी लेकिन रूफ रेल आपकी नहीं हिलेगी। इसके साथ ही हमने रेड गाड़ी थी तो उसको डबल टोन इंटीरियर देने के लिए हमने इसमें टेपिंग की है जो कि प्रॉपर पियानो ब्लैक रहने वाली है और ये टेपिंग की क्वालिटी ऐसी है कि आप लोग इसको 3-4 साल भी अपने हाथ से रिमूव कर सकते हैं, आपके पेंट पे किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं मिलेगा देखने को आपको। इसके बाद आपका जो ये डोर वाइजर रहता है ये भी जेन्युइन रहने वाला है जिसमें आपको माउंटेन का जो सिग्नेचर है वो भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी 2250 की MRP रहती है उस पर आपको लेस करके 30% मिलने वाला है। साथ ही में लोअर गार्निश रहने वाली है, इसकी भी आपकी 2250 की MRP रहती है 6 पीसेज में, अगर आफ्टर मार्केट होगा तो वो यहाँ तक आएगा लेकिन आपका जेन्युइन है तो आपका पूरा पीछे तक आ रहा है जिस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। हैंडल क्रोम लगाया है इसके ऊपर हमने, इसमें साथ डोर गार्ड लगाए हैं, इसमें हमने साइड मोल्डिंग लगाई है जो कि आपकी जेन्युइन रहती है। तो ये गाड़ी अब आपकी पूरी साइड से एक अलॉय को छोड़ के आपकी पूरी गाड़ी बन चुकी है टॉप मॉडल। अब अगर पीछे से चलते हैं आपको दिखाते हैं पीछे इसमें क्या काम हुआ है। पीछे की बात करूँ तो आप लोग पीछे भी जो टेपिंग की क्वालिटी है बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी में काम किया गया है टेपिंग का, कहीं से लेकर कहीं तक आपको कोई भी एज बाहर नहीं देखने को मिलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके की हमने जो टेपिंग है वो इसकी की है। इसके बाद बात करें इसके चले कैमरे की तो हमने वो भी जहाँ पे कंपनी लगा के देती है हमने वहीं लगा के दिया है ताकि आपको एक अच्छा बर्ड व्यू मिल सके। उसके साथ ही हमने पीछे इसमें जो भी सारे पार्ट्स हमने रिमूव किए थे वो गाड़ी के अंदर डाल दिए है, बाकी इसके अंदर बूट मैट वगैरह नहीं लगा है। पीछे की जो स्कर्टिंग होती है जेन्युइन पूरी हमने वो भी चेंज की है, साथ ही में पीछे हमने इसमें रिफ्लेक्टर भी लगाया है जो कि आपका मैट्रिक डिज़ाइन स्कैनिंग मोड में आता है जो कि पार्किंग ब्रेक और इंडिकेटर तीनों पे ही आपका काम करता है। इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल डिज़ाइन जो है आपको देखने को वो मिलने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके बैक की लुक है उसको इन्हेंस करता है। प्रॉपर आपका जो टेल लाइट होता है उसके साथ ही अपना कम्युनिकेट करके वर्क करता है पूरा। तो ये इसके बाहर के जो एक्सटीरियर में काम था ये सारा हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम काम हुआ है,
अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, आपको इंटीरियर में इसका काम जो है सारा वो चेकआउट करवाते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था जो डैम्पिंग का वर्क हुआ है वो भी बहुत अच्छा इसके अंदर हुआ है। जैसे हम लोग बाहर से वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप लोगों को पता अभी नॉइस का पूरा पता लगा होगा, लेकिन जैसे हम लोग इंटीरियर में आएंगे ना पूरी नॉइस खत्म हो जाएगी। ये जैसे हम लोग इंटीरियर में आए आप देख सकते हैं नॉइस पूरी खत्म हो गई। इसके साथ ही हमने इसमें डोज में लगाई है K3 एम्बियंट लाइट, जो कि कलर चेंजिंग एम्बियंट लाइट होती है। इसमें आप चाहे तो मल्टीपल जो कलर्स होते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट की कॉस्टिंग अपने पास 2500 रुपये से चालू हो जाती है, बाकी जितना ऊपर रेंज आप जाएंगे उतने ऊपर आपको K4 K3 K5 सारी मिलने वाली है। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे इसके इनर हैंडल्स भी चेंज हो चुकी है, जो कि आपको 900 रुपये के 4 पीस मिलने वाले हैं। साथ ही में इसमें हमने जो किया है स्टेयरिंग रैप किया है, ये अपना स्टेयरिंग रैप OEM फिटवर्ड वाला नहीं है, ये वैसे ही लगा हुआ है क्योंकि भैया को अभी टेम्पली बेसिस से लगवाना था, क्योंकि सीट के बस और जो इंटीरियर का थीम है वो भैया का पूरा चेंज होगा नेक्स्ट विजिट में, तो इसलिए अभी हमने इसको एज ए टेम्पररी लगा दिया है। साथ ही हमने इसमें एक आपका एक हैंडल नोब लगाया है जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा है और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा ये इन्हेंस कर देता है। साथ ही में इसमें 7 पीसेस ऑफ डैशबोर्ड किट लगी है, जिसमें आपका पहला पार्ट ये रहा बड़ा वाला होता है, इसमें आपको सिल्वर प्लस आपका जो वुडन का टेक्सचर है वो देखने को मिलता है। साथ ही में इसमें एक नागिन लगी है, 4 डोर्स के लिए रहता है, आपका एक डैशबोर्ड का पीस ये रहा। तो ये आपके 7 पीसेस के डैशबोर्ड किट होती है जिसको हम लोग ब्रेजा में लगाते हैं, और इसकी जो कॉस्टिंग आने वाली है वो आपको बेशूटॉप के वर्क है मात्र 2500 रुपये की कॉस्टिंग आपको मिलने वाली है इंटीरियर किट की पूरे। अब बात करते हैं इसके सिस्टम की, तो हम ये जैसा कि आपको पता है VXI मॉडल था उसमें 7 इंचेस का सिस्टम आता था हरमन का, लेकिन हमने उसको चेंज करके डैप्स का लगा दिया है 4+64GB, जिसमें आपको एप्पल का एप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस मिलने वाले हैं, और 360° कैमरा भी आपको देखने को मिलने वाला है। अभी इसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई है जिससे आपको अभी एक अच्छा बर्ड व्यू देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इसका जब आप करवाएंगे तो आपको कैसा प्रॉपर बर्ड व्यू देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं इसमें वीडियो की बात करूँ क्लैरिटी की, तो बहुत सारी अच्छी रहने वाली है, जैसे कि एक वीडियो हम चला के दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि भैया की बेसिकली नीड ही ये थी कि जो उनका 7 इंचेस का सिस्टम था उसके अंदर वो वीडियो वगैरह नहीं देख पाते थे, तो इसलिए हमने उनके लिए पियानो विथ पियानो ब्लैक फ्रेम आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने अपना एंड्रॉइड जो है वो लगा दिया है। 4+64 रहने वाला है, डैप्स इसका ब्रांड रहने वाला है, और 360° कैमरा इसके अंदर हमने लगाया है। अब बात करें नीचे की, तो हमने इसके अंदर फ्लोइंग का जो वर्क है वो भी आप चेक कर सकते हैं पूरा किया है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको जो फ्लोइंग का वर्क है वो देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसमें हमने रिले भी लगाई है, जिससे क्योंकि VXI मॉडल आता है, अगर LXI मॉडल हो तो आपको उसमें पूरे जो मिरर्स है वो चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक रिले लगाने से ही आपका जो चाबी से लॉक और अनलॉक है वो हो जाता है। बाकी इसके अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल जो चीज़ होती है जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो अपने आर्मरेस्ट की होती है, प्रॉपर मारुति सुजुकी जनरल रहने वाला आर्मरेस्ट। इसके अंदर हमने बैक USB भी लगाई है, और आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलने वाला है, प्रॉपर स्लाइडिंग मिलने वाली है, बैक की USB आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन लगी है, जिसमें आपको USB प्लस C टाइप दोनों ही तरीके की केबल आपको चार्जिंग के जो स्लॉट है वो आपको देखने को मिलने वाली है। जो इसकी कॉस्टिंग रहती है वो अपने 2500 का आमलेस रहने वाला है बेस्ट टॉप के वर्क पे, और अपना 1500 रुपये का बैक USB रहने वाला है। जो भी आपको सारे प्राइसेज में कोट कर रहा हूँ ये ओनली द वर्क ऑफ बेस्ट टॉप ही रहने वाला है। अगर कोई इंसान अगर 2-3-4 सामान लगवाने आ जाए तो उनके लिए फिर जो पॉसिबल अच्छा रेट होगा मैं उनको वो दे पाऊंगा, लेकिन ये जो वर्क है जो बंदा सोच के आया हो कि आज LXI लेके जाऊंगा और कार इससे ZXI ही करवा के आऊँगा, तो उसके लिए ये रेट वैलिड रहने वाले हैं। गेट जैसे हम लोग खोलते हैं एक बेजा की वेलकम लाइट लगी है, जो कि प्रॉपर आपका वेलकम करती है जब हम लोग गेट खोलते हैं। तो ना जैसा कि आप जानते हैं VXI मॉडल है, तो इसमें अपने जो स्पीकर्स है ट्यूटर्स है वो लग के आते हैं, लेकिन किसी भाई को अगर थोड़ा सा म्यूज़िक का आउटपुट अच्छा चाहिए तो वो चाहे तो एक कंपोनेंट लगवा सकता है, लेकिन डैम्पिंग आने के बाद इसमें अच्छा खासा फर्क जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो बाकी इसमें छोटे मोटे और काम हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं कैबिन लाइट भी अपनी वाइट हुई है, और भी अननोटेबल छोटे मोटे जो काम है वो हो सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे काम रह भी गए हैं, जो भी 2-3-4 काम रह गए, जैसे कि हम आपको इसका एक जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी दिखाएंगे, जिसमें इसकी पूरी थीम चेंज करके दिखाएंगे जब गाड़ी दोबारा नेक्स्ट विजिट पे आएगी तब। अभी तक हम लोग सिर्फ ग्रैंड विटारा का ही काम करते थे, लेकिन अब हम लोग मारुति की हर गाड़ी का काम धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला अपना कॉन्सेप्ट ब्रेजा के ऊपर जाने वाला है, जिसमें आपको 30% डिस्काउंट जो भी जनरल पार्ट्स लगते हैं बेस टू ड्रॉप करवाने पे 28,000 रुपये का अलॉय, अपना 25,000 रुपये की हेडलाइट आपको मिलने वाली है, और जो भी आपको बेस्ट अच्छे रेट चाहिए उसके लिए आप जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। शॉप अपनी आने वाली है कारबीश करोल बाग पे, आप बोर्ड अपना चेकआउट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप मेरे को जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉल व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं। ऑफर वैलिड रहेंगे सिर्फ बेस्ट ड्रॉप के वर्क पे, और जो भी आपको अच्छा रेट चाहिए उसके लिए आप लोग व्हाट्सअप करें। तब तक के लिए मिलते हैं।